जय माता दी बंधु, कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें और तरक्की करें। बंधु, आज का ये वीडियो है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि के अप्रैल 2021 के मासिक राशिफल के बारे में। वर्ष 2021 के अप्रैल माह की शुरुआत होते ही सभी अपनी राशि के अनुसार राशिफल जानना चाहते होंगे। आप भी उत्सुक होंगे कि साल का यह माह आने वाला जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। बंधु, अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, घंटी दबाएं और ऑल जरूर सिलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। अप्रैल माह वृषभ राशि के अगर घर की दृष्टि से देखा जाए तो घर के किसी काम से अचानक से बाहर जाना हो सकता है। परिवार में किसी के साथ रिश्तों में भी दूरियां बढ़ सकती हैं जो आगे चलकर समस्या पैदा कर सकती हैं। यदि आपने धैर्य से काम नहीं लिया तो समस्या गंभीर भी हो सकती है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। बच्चों को लेकर आशान्वित रहेंगे और उनके द्वारा पूर्ण सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति की चाह है तो इस माह अपने जीवन साथी के अच्छा संकेत आपको मिलेगा जो दोनों के मन को आनंदित कर देगा। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और सभी आपको अच्छी नज़रों से देखेंगे। यदि आप नौकरी करने वाले जातक हैं और उसमें बदलाव का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि वर्ष का यह माह उसके लिए शुभ नहीं है। इसलिए इस माह अपनी पुरानी नौकरी में ही मन लगाएं और थोड़ी प्रतीक्षा करें। सरकारी अधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों से बात करते समय सावधानी बरते, क्योंकि यह माह आपके लिए शुभ नहीं है। यदि आप व्यापारी हैं तो माह की शुरुआत तो अच्छी होगी और कई अच्छे अवसर भी हाथ में आएंगे, लेकिन यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो यह लाभ हानि में बदल जाएगा। माह के दूसरे सप्ताह में पैसों के लेन देन को लेकर सावधानी बरते, क्योंकि आपका कोई ग्राहक आपको चूना लगाने का प्रयास कर सकता है। कॉलेज में है तो किसी प्रोजेक्ट में फंस सकते हैं और उसको लेकर निराशा का भाव भी आपके अंदर आएगा। किसी दोस्त के साथ अनबन भी हो सकती है जो आपको अहित करने का प्रयास करेगा। स्कूल में पढ़ रहे जातक अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे, लेकिन जल्दी सफलता हाथ आपको नहीं आएगी। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस माह पढ़ाई में मन कम लगेगा और अन्य गतिविधियों की ओर रुचि बढ़ेगी। यदि आप किसी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें अभी और समय लगेगा। यदि आपका विवाह हो चुका है तो इस माह आपका जीवन साथी आपके ऊपर फैमिली प्लानिंग का दबाव डाल सकता है। उनकी बात आपको प्रसन्न तो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी शंका में रहेंगे। प्रेम संबंध में है और घर पर यह बात पता नहीं है तो इस माह किसी को इसकी सूचना लग सकती है। हालांकि यह आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अपने लिए किसी रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो इस माह किसी के साथ सकारात्मक बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन वह परवान नहीं चढ़ पाएगी। ऐसे में आप पहले से ही सभी बातें शेयर ना करें और रिश्तों को समय दें। इस माह आपको रीढ़ की हड्डी या पैरों के घुटने में दर्द की समस्या आ सकती है जो लंबे समय तक चलेगी। इसके लिए सुबह के समय सैर पर जाने की आदत डालेंगे तो अच्छा होगा। माह के मध्य में कोई बात मन ही मन परेशान कर सकती है, लेकिन वह जल्दी सुलझ भी जाएगी। यदि आप अपनी दिनचर्या और खाने को सही रखते हैं तो यह माह आपके लिए सही रहेगा, अन्यथा कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाने में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें। यदि आप कभी कभी बासी खाना या रात का खाना सुबह खाने के आदि हैं तो इस माह यह बिल्कुल ना करें। खासकर माह के दूसरे सप्ताह में
क्योंकि इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है जो आगे चलकर बढ़ भी सकती है। चार ग्रहों का सुख के स्थान में एक साथ आना एक चतुर्थ ग्रही योग बनाएगा जो इस माह अप्रैल में आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र अष्टम का स्वामी होकर अस्त होना इस माह में आपकी हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। इस समय आपको अपने सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर आपको अपनी त्वचा को बचाए रखना है। चर्म योग होने की संभावनाएं हैं। मंगल राहु का बिजनेस के लिए अंगारक योग बनना, साथ ही पराक्रम का स्वामी अपने घर में बैठकर के पराक्रम में वृद्धि करेगा। अप्रैल के महीने में वृषभ जातकों के लिए एक बड़ी सफलता का योग भी बन रहा है। पराक्रम के स्वामी का अपने घर में ही विराजमान होना कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बना देता है, साथ ही प्रमोशन व इंक्रीमेंट भी होने की संभावनाएं हैं। बिजनेस वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं जाने वाला होगा। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र और बिजनेस करने वालों के लिए माह अच्छा जाएगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी सूर्य और लाभ के स्वामी शुक्र का एक साथ होना और सुख स्थान में बैठना एक सुख देने वाला योग बना देता है। कार्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके लिए विदेश यात्रा पर जाने की संभावना है। अगर वह इस समय प्रयास करते हैं तो विदेश का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन सेहत के लिए सचेत रहना होगा। मार्च व अप्रैल माह आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। अप्रैल में कुछ परेशानियां आपका पीछा कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी काबिलियत से इससे निकलने में कामयाब हो सकते हैं। वृषभ मासिक राशिफल 2021 में अप्रैल माह के मुताबिक करियर पर सूर्य की दृष्टि, भाग्य पर मंगल की दृष्टि, करियर को बृहस्पति का देखना करियर में कुछ अच्छे बदलाव लाने के योग बना देता है, लेकिन बुद्धि इस समय भ्रमित रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी। मन जो है वो कई कामों की तरफ घूमेगा, जिसके चलते कार्य को करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काम पर ध्यान दे। इस महीने में समय भी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला होगा। इस समय आपको अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे करने से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। आप इस समय अपने कार्य को करने में सक्षम होंगे। कर्म से आपको लाभ मिलने का संकेत तो मिल रहा है। कार्य करते रहें, फल की चिंता ना करें। तो बंधु, ये था वीडियो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ऑल सेलेक्ट करें और घंटी दबाएं। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।